प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सीएम शिवराज के ऐलान के बावजूद रेत माफियों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन से मिलीभगत के चलते रेत माफिया रोज प्रदेश की नदियों को छलनी कर रहे हैं। इंडिया फर्स्ट आज आपको दिखाएगा राजगढ़ जिले की पार्वती नदी के हाल, जहां रेत माफिया बाकायदा पोकलैन मशीन लगाकर लंबे समय से अवैध माइनिंग कर रहा है। जाहिर है बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के ये मुमकिन नहीं। देखिए इंडिया फर्स्ट एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ये है पार्वती नदी। यहाँ के कानड़ खेड़ी और सेमला पार के पास पाटला घाट पर पिछले लंबे अरसे से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह रेत ठेकेदार यहाँ पोकलैन जैसी भारी भरकम मशीनों के साथ नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ठेकेदार रोजाना यहाँ से 10 से 12 फीट रेत ट्रालियों में भर कर ले जाते हैं। सर ये गलत है, ये जो अधिकारी आया था और पटवारी आए थे, हमें इन मशीन वालों से मना करके जाया था और अब जो मशीनें चल रही है अधिकारी से कहते हैं, अधिकारी सुनता नहीं, हमारा फोन नहीं उठाता था। तो क्या यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है? अवैध से हमने इंस्पेक्टर है भी अब्दुल वाली, हमने उनसे भी कही साहब ना देखो तो रखी खींच के बता गया, जब बाद में मान ही नहीं लिए वे लोग, हम जामा पार्वती पे तो हमारी रिपोर्ट डलवा दे। बड़ी बड़ी मशीनों, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों और नदी पर तैनात ठेकेदारों के आदमी, ये तमाम तस्वीरें आम आदमी को तो नजर आती है लेकिन जिले के खनिज और दूसरे अधिकारियों को नहीं। साफ है मिलीभगत और रिश्वतखोरी के चलते इन्हें यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इंडिया फर्स्ट के सीधे सवालों पर जिम्मेदार अधिकारियों के जवाब भी सुन लीजिए। अभी सूचना मिली है कि काफी समय से वहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, मैंने पता करवाया तो वहाँ पर लीज है, लेकिन वैसे ये कि कहा जा रहा है शिकायत में कि लीज से ज़्यादा जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। इस समय मैं समक्ष में नायब कस्बे को बुलवाया था तो समझता हूँ कल जाएंगे फिर मौके पर उसका जमीन का समाधान। 24 एकड़ की लीज है, लगभग 64 एकड़ में वो जो भी है समाधान करके कल सामने आएगा। और ऐसी जानकारी भी मिली है कि लीज भी खत्म हो चुकी है, वो सारी डिटेल्स कल चेक कर दो, जाएंगे। रेत के इस खेल में मुनाफा करोड़ों का होता है और अधिकारियों को भी उनका हिस्सा पहुंच जाता है। ऐसे में बिना जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई किए अवैध उत्खनन पर रोक लगा पाना मुमकिन नहीं। क्या शिवराज सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर वास्तव में अपने आश्वासनों को हकीकत में तब्दील करेगी? इंडिया फर्स्ट के लिए राजगढ़ से सुरेश नागर की रिपोर्ट।